हाँ जी, मैं गोरखपुर में हूँ और गोरखपुर में एक पार्क है जिसका नाम काशी है, वहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ पार्क। और काफ़ी मेरा वीडियो है गोरखपुर का काफ़ी वायरल हुआ है और अच्छे से आगे चल के देखते हैं क्या है। और मैं भी यहाँ पे नया हूँ और देखने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है, तो आगे अभी आगे हम लोग चल रहे हैं और दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है पार्क। धूप काफ़ी है। ये जो पार्क है ये मोदीपुर में है, मोदीपुर चौराहे के पास, और 1952 के आसपास में बनवाया गया था। ये 1952 के आसपास बनवाया गया था और 2 साल पहले इसका मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ। दो हैं जिनका नाम है योगा के प्रतीक भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही उत्साह है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गोरखपुर है, गोरखपुर योगी का गढ़, जो यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं और यहाँ पे योगा को लेकर की प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा। अभी अंदर एक बच्चों के लिए झूला और ढेर सारे इक्विपमेंट हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे, जो जैसे ये दिया है और झूला भी है यहाँ पे, और एक अच्छा फील्ड है जो कि काफ़ी अच्छा है, झूला भी यहाँ पे है और देखने में तो बहुत अच्छा है यहाँ से दिख रहा है। और अभी तो फ़िलहाल बहुत धूप है, पर अगर आप यहाँ पर शाम को आए ना तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर व्यू मिलेगा। और आपको मैं चौर दिखाना चाहता हूँ, ये जो है ओपन एयर जिम है, ये जो कि यहाँ पे दिखाया गया है क्या क्या है यहाँ पे, और ये सब जिम के इक्विपमेंट हैं जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने एक बहुत ही भव्य और सुंदर फव्वारा दिखाई दे रहा है। ये फव्वारा आज दोपहर है, कड़ी दोपहर है, तो इस फव्वारे की जो रौनक है वो आपको अच्छे से नहीं नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप शाम को आएंगे तो यहाँ पे लाइटिंग की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। उस लाइटिंग में जब ये फव्वारा चलता है तो मानिए जैसे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूल और बहुत सारे मनी प्लांट लगाए गए हैं, ये मनी प्लांट इस फव्वारे की शोभा को और बढ़ाते हैं। ये गलियारा जो कि ये फव्वारे के साइड में बनाए गए हैं, चारों तरफ बनाए गए हैं, तो हम इस फव्वारे के चारों तरफ जो गलियारा बनाया गया है हम उस रास्ते से चल रहे हैं और सामने का दृश्य बहुत ही निराला है। आगे ताड़ का ब्रिज और उसके बगल में आम्रपाली के सुंदर सुंदर आम के वृक्ष, मानो जैसे ऐसे लग रहे हैं कि इस प्राकृतिक सौंदर्य को एक बहुत ही अच्छा कृत्रिम रूप दे दिया गया है और लोगों को हर मौसम में, ना केवल गर्मी इसके साथ साथ ठंडी में भी यहाँ पर आकर के अपने साथियों, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ आकर के यहाँ विश्राम कर सकते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं विंध्यवासिनी पार्क के बारे में आज आपको बता रहा हूं, तो विंध्यवासिनी पार्क की शिलान्यास को लेकर के जो एक प्रतिमा, जो एक चिन्ह बनाया गया है जो यहां से है, इस पे लिखा गया राजकीय उद्यान गोरखपुर, स्थापित वर्ष भी बताया गया कि 1992 में बनाया गया है, तो 1952 इससे होगा, हिंदी में 1952। गोरखपुर में आज़ादी के बाद कोई भी ऐसा पार्क नहीं था, आज़ादी के बाद इस पार्क को बनाया गया, इसकी स्थापना 1952 में हुई। पिछले कुछ वर्षों में इसकी जो सुंदरता, सौंदर्य और सुंदरता वो थोड़ा कम हो गई, लेकिन पिछली सरकार ने इस पर एक बजट पास किया और केंद्र और राज्य सरकार देख रहे हैं कि ये सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो इंडियन, उसके साथ साथ पर्शियन आर्किटेक्चिंग स्टाइल में बनाया गया है, और ये बिल्डिंग यहाँ पे पर्यटकों के लिए विश्राम का जगह है। इस बिल्डिंग पे चढ़कर पर्यटक इस पार्क का बहुत अच्छा सौंदर्य और बहुत अच्छा इसको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए हम इस पे चढ़ के दिखाते हैं और वहाँ से पार्क का कैसा सौंदर्य आता है आपको भी दिखा देता हूँ।